हेलो गाइस, तो ये है हमारे पास आरसी रिमोट कंट्रोल बूस्टर वाली नाव। गाइस, इस नाव को बनाने में काफी समय लगा है, तो गाइस यार आप लोग वीडियो को पूरा देखना। गाइस यार बूस्टर बनाने आप का सकते हो किस तरह चल रहा है। आज हम बनाने वाले आरसी मोटर बोर्ड, इन थर्माकोल की मदद से हम बनाएंगे आरसी मोटर बोर्ड और हम इसमें बहुत सारे फीचर डालने वाले, जैसे रिमोट कंट्रोलर, रॉकेट बूस्टर और इसमें हमने लेफ्ट राइट का भी फीचर डालेंगे। हम इसमें और भी कुछ नया फीचर डालने की कोशिश करेंगे गाइस, और बिना स्क्रिप्ट किए हमारे वीडियो को आप देखते रहिए लास्ट तक। चलिए गाइस, हम मोटर बोर्ड को बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस यार, सबसे पहले हम इसमें नाप ले लेंगे बोर्ड में थर्माकोल का। इसमें पहले गाइस आप लोग जैसा देख रहे हो वीडियो में, हमें बिल्कुल ठीक उसी तरह से मार्कर कर लेना और उसे फिर कट कर लेना। हेलो गाइस, इसको हम अब काटते हैं। गाइस यार, हमने थर्माकोल काटने के लिए एक धनुष बनाया है जिसमें हमने तार का उपयोग किया है, और फिर आप देख सकते हो गाइस कि इस धनुष की मदद से हमें कितनी आसानी से थर्माकोल काट रहे हैं। गाइस यार, थर्माकोल काटने का इससे अच्छा जुगाड़ कहीं नहीं मिल सकता है, तो करिए गाइस वीडियो को पूरा देखना। गाइस यार, हमारे एक शेप कट गया, अब इसका ऊपर एक शेप लेयर रहेगा, अब हम उसको काटेंगे। गाइस यार, हमारी लेयर काटने की प्रोसेस पूरी हो चुकी है, अब जो बारी आती है गाइस वो है थर्माकोल को उसके असली शेप देने का, यानी कि उसे बोट का एक अच्छा खासा शेप। तो गाइस यार, आप देख सकते हो हमने थर्माकोल को एक नाव के शेप में, मतलब त्रिकोण काटने काट लिया है और उसे अब फिनिशिंग दे रहे हैं। गाइस यार, हमने थर्माकोल की दोनों लेयर को जोड़ लिया है और उसे हम जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल उसी तरह से हम काट रहे हैं। गाइस यार, आप लोग देख सकते हो थर्माकोल जो हमारा कट चुका है, हमें कुछ इस टाइप का उसको शेप लाना है, और गाइस अब बारी आती है उसको थोड़ा ऊंचा करने की। गाइस यार, हमने थर्माकोल के कुछ तीन को लेयर काटे हैं और उसको हम इस नाव के पीछे वाले साइड में लगा देते हैं, और गाइस देख सकते हो हमें पूरे लेयर को एक कुछ इस प्रकार से जोड़ना होगा। तो आप देख रहे हो गाइस कि हमने एक और त्रिकोण शेप काटा है जिसे हम नाव के ऊपर लगाए हैं, और अब बारी आती है गाइस इसको फेविकॉल की मदद से चिपकाने की। तो गाइस, हम पूरे इस नाव के जितने भी हमने नाव के तीन लेयर काटे थे उसको भी चिपका रहे हैं गाइस, और जो इसके सामने का हम एक छोटा सा त्रिकोण काटे थे उसको भी हम लगा रहे हैं। तो आप देख रहे हो गाइस वीडियो में कि हमें तीनों लेयर को अच्छी तरह से लगा देंगे, और फिर इसका जो नाव शेप तैयार होगा उसका नीचे वाला पॉइंट पूरा तैयार हो जाएगा, और अब बारी आएगी गाइस इसका ऊपरी पॉइंट तैयार करने की, मतलब कि ऊपर से इसको सजाने की। तो गाइस यार, आप देख सकते हो जो हमारा नीचे का भाग है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, और अब बारी आ रही है गाइस इसको ऊपर से सजाने की। तो गाइस देख रहे हो आप लोग, हमने जो नाव का फ्रंट साइड होता है उसके ऊपर हम कुछ नाव को उसके असली शेप देने के लिए हम उसमें थर्माकोल की कुछ दो लेयर को पहले लेयर ऐड कर रहे हैं, और फिर जो गाइस बच रहा है बाकी का प्रोसेसर वो है हमारे थर्माकोल का बड़ा सा लेयर जिसे हम काट चुके हैं और उसे हम अब ऐड कर रहे हैं इस नाव के। तो गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा है कि नाव के ऊपर हमने लेयर ऐड कर लिए हैं, आपको भी ठीक इसी प्रकार इस नाव के ऊपर थर्माकोल की लेयर ऐड कर लेना है और उसे बोट का एक शेप दे देना। और गाइस, नाव शेप है वो थोड़ा कम्प्लीट हो चुका है, और उसके हमने ऊपर ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है गाइस, ये है ब्लैक पेपर, मतलब ये काले कलर का एक कागज है उसको हम लगाए हैं, और उसके ऊपर हम थर्माकोल का लेयर चेक कर रहे हैं कि हमारी नाव के कितने लेयर है उसको ऊपर को डिजाइन करना है। गाइस यार, ये जो है ये आरसी कंट्रोलर कार का मदर बोर्ड है, ये कार का गाइस मदर बोर्ड है, और ये जो आपको नाव दिख रहा है ये हमने ऊपर का लेयर कम्प्लीट कर लिया है। और गाइस, हमारे पास है ये आरसी कंट्रोल रिमोट, ये आरसी कंट्रोलर मदरबोर्ड, और ये लिपो बैटरी, और आप गाइस देख सकते हो कि हमारा जो आरसी कंट्रोलर है वो बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। और गाइस, अब बारी आती है गाइस इस नाव को पेंटिंग करने की। तो गाइस, आप देख सकते हो ये जो नाव है हम इसको पेंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब इसे सुंदर बनाने के लिए तो इसमें कलर ऐड करना ही पड़ेगा, हम उस कलर को। गाइस यार, कलर ऐड होने के बाद हमारी नाव कुछ इस तरह से दिख रही है, जो कि देखने में काफी अमेजिंग दिख रही है गाइस।
और गाइस अब बारी जो आएगी इसमें इसके फीचर थ्री। गाइस हमारा नाव बन के तैयार हो गया है। अब हम जैसे वीडियो में हम बताए थे कि हम कुछ इसमें नई टेक्नोलॉजी डालेंगे, जैसे कि पीछे मोटर और रिमोट कंट्रोल, पूरा इसको रिमोट कंट्रोल बूस्टर ये सब हम डाल के इसको रेडी करके को इसको हम चला के दिखाएंगे। जी हाँ गाइस, हमारी नाव रेडी होने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगी गाइस। देख रहे हैं हमने नाव के पीछे साले भाग में रोड होम रॉकेट बूस्टर लगा लिया है गाइस, और रिमोट कंट्रोल सिस्टम हम आपको पहले ही बता देते हैं इस प्रकार से ऐड करने वाले थे। गाइस यार जो हमारा नाव है वो पूरी तरह से है, और गाइस देखो इसमें अमेजिंग ऐड करना। गाइस यार हमारा नाव बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, और हमने डाले इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी डाले, जैसे कि हमारे पहले नंबर में आता है ये बूस्टर, पहले नंबर में हमारा आता है बूस्टर, और ये रहा निंजा इंजन, हमने इस इंजन को इस रिमोट कंट्रोल से जोड़ के रखा है। दूसरे नंबर में हमारा आता है इंजन, ये रिमोट कंट्रोल हमारा आ गया, और गाइस हमने बैठाया एक तो मछुआरा, और इसमें एक है ड्राइवर, और अपने दो लड़के एंजॉय कर रहे हैं इसमें, और नाव का आप शेप देख सकते हो बिल्कुल नाव के जैसे हमने इसको पूरा मॉडिफाइड किया है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. तो गाइस यार हमने इसमें जो जो टेक्नोलॉजी डाला है उसमें रिएक्ट कर रहा है कि नहीं रिएक्ट कर रहा है ठीक से, हम इसको कल देखेंगे, इसकी टेस्टिंग हम कल करेंगे, हमारा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गाइस यार जैसा कि आप लोग देख रहे हो हमारा जो नाव है वो अब बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, और अब हम इसको पानी में उतारने जा रहे हैं गाइस, और फिर देखते हैं क्या होता है, हम इसे इस रिमोट की मदद से चलाएंगे। तो गाइस यार चलिए इसे नाव को पानी में डालते हैं। तो गाइस यार हमारा जो नाव है वो पानी में अच्छी तरह से तैर रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं डूब रहा है गाइस। और जो अब बारी आती है गाइस इसका चेकिंग करने की, पहले हम इसको चेक कर रहे हैं, देखिए गाइस हम इसका इंजन चालू किए हैं तो ये धीरे धीरे पीछे की तरफ आ रहे हैं, और गाइस जैसे ही हम इसका इंजन दोबारा चालू करते हैं गाइस यार देख सकते हो ये आगे की तरफ जा रहा है, आगे की ओर चल रहा है गाइस। और फिर आप गाइस देख सकते हैं गाइस जो ये मोटर बोट है आरसी जिसे हमने आपके बूस्टर के साथ बनाया है वो काफी अच्छी तरह से चल रहा है। गाइस यार आप लोग वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिना स्किप किए देख बिल्कुल मत देखना, क्योंकि गाइस आप लोग काफी सारे फ्यूचर्स नाव के मिस कर जाओगे। गाइस यार आप लोग देखते रहो नाव में पानी में उतार चुकी, क्योंकि गाइस यार हमने नाव को पहले कम पानी में उतारा था, अब गाइस यार हम नाव को उस गहरे पानी में छोड़ चुके हैं। फिर देखते हैं गाइस क्या होता है कि हम गहरे पानी में नाव जो हमारी इतनी अच्छी तरह से तैर रही है, और गाइस यार अब देखो इंजन चालू हो चुका है हमारे नाव का, तो नाव स्पीड से चल रही है, और गाइस ये मुड़ चुकी है नाव पूरी तरह से, क्योंकि इसमें हमने लाइट लाइट सिस्टम भी डाल के रखे हुए ऑलरेडी पहले से। गाइस देखो हमारे मछुआरे लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं नाव में बैठे बैठे। गाइस यार ये जो है नाव का पहला रॉकेट बूस्टर था जिस जो हम नॉर्मली टेस्टिंग कर रहे थे, और ये नाव का बूस्टर जो है अच्छी तरह से काम कर रहा है। फिर गाइस आप देख सकते हो बूस्टर थोड़ा जैसे जैसे बूस्टर की रफ्तार गाइस बढ़ रही है उसी प्रकार से नाव चल रहा था, और गाइस देख सकते हो जो छोटा बूस्टर था वो खत्म हो चुका है, अब बारी आएगी गाइस इसमें कुछ बड़ा बूस्टर। गाइस यार नाव का एंजॉय देखो कितना मस्त पानी में तैर रहे हैं, इसीलिए गाइस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, और हमारे चैनल में नए हो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। और गाइस अब मेन इंजन और मेन बूस्टर चालू हो चुका है गाइस, और अब जो हम नाव चल रही है गाइस वो बिल्कुल नए बूस्टर के साथ चल रही है, और ये जो इसका बूस्टर है वो काफी स्पीड से काम कर रहा है। अब गाइस यार आप देख सकते हैं हमारा नाव चला है एकदम अच्छे चला, ये अच्छा जैसे हमने बनाया था जैसे सोचा था वो बिल्कुल उसी तरह से काम किया है, और बच्चे लोग भी हमारे साथ थे, और बच्चे लोग कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करो।